Hi, this is Momo Elimunchi, and do subscribe to One Take, which is your one-stop shop for everything that's hot and happening in the entertainment industry. वो घर नहीं पागलखाना है जिसका जब दिल चाहे मुझ पर इल्जाम लगा दे, और तुम मुझे हमेशा अपनी एक्स वाइफ की किस्से सुनाते रहो। बस बात को पहला वजह गलत रंग मत दो। अगर तुम्हारी अहमियत मेरी नजर में ना होती तो आज मैं यहां खड़ा ना होता, तुम्हें लेने के लिए नहीं आया होता। और मैं चाह क्या रहा हूं तुमसे? सिर्फ इतना ही कह रहा हूं ना कि थोड़ा सा चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा बदलो, दैट्स इट। तुम असल से मेरी तकदीर में सत्ती मोहब्बत मत करो। बेबस हूं मैं। वैसे हमारे दरमियान बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सी तलखियां। मिस्टर लेजी, उठ जाओ। शादी की पहली सुबह मैंने सोचा मेरी बीवी मुझे रोमांटिक अंदाज में उठाएगी। तो कैसे? जरा कुछ प्यार से बोलकर। ये क्या होता है, उठ जाओ। लेकिन मैं क्यों भूल जाता हूँ कि मैंने निम्रा फुरकान से शादी की है। बस करो कि चाय पियो ताकि तुम्हारे दिमाग से ये गुबार उतरे। ये गुबार नहीं है मेरी जान, नशा है, सुरूर है। मोइस। अच्छा अच्छा, ओ अम्मी को चाय दे दी? मैं मास को देख लूँ, उसको नाश्ता भी करवाना है। और हाँ, मैंने दो दिन की छुट्टी ले ली है, घर के मामलात भी देखने हैं। अम्मी, अम्मी क्या हो गया, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं समझा कहीं आप फिर से लॉक तो नहीं हो गई। बाहर बाहर कौन है? कोई भी नहीं है अम्मी, ये मैं चाय लाया हूँ आपके लिए, ये ले। किसने बनाई? इमरान। मैं नहीं पीऊंगी चाय, मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी, ले जा। मैं क्या हो गया आपको? मोहित, तुम्हें नहीं पता ये दोनों बहनें मुझे मार देंगी। गलियां दरवाजा बंद करती थी, ये मुझे कुछ मिलाकर पिला देगी, मैं नहीं पीऊंगी। अम्मी, कोई आपको क्यों मारना चाहेगा, ऐसा क्या किया है आपने? मैंने तो कुछ नहीं
कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा उसको, वो अपनी आई पर मरी थी। अम्मी, मैंने नहीं किया कुछ। अम्मी, आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ चाय बना के लाता हूँ। इधर आए, बैठे बैठे बैठे, आराम से बैठे, मैं चाय बना के लाता हूँ। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं किया कुछ, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं किया। क्या हुआ? कुछ नहीं, सर में थोड़ा दर्द। मास्क है? सो रहा आपने कमरे में? पीछे कर बैठो। क्यों पीछे हो ना? हेलो, आप? ओ, आपको ये भी आता है? मैं समझा कोई इंजेक्शन लगाओगे या कोई टैबलेट दो। डॉक्टर्स को ये भी आता है? कितना भरपूर मंजर था। मुझसे कुछ कहा? ऐसे निम्रा को घर बनाना आता है, उसके आने से घर घर लगने लगा। आप जानती हो उसमें दिलों को जीतने की सलाहियतें हैं, सबके दिलों को। अच्छा, तो तुम भी उसके मुतासिरीन में से निकले? हाँ, मेरा और निम्रा का रिश्ता बहुत मोतबर। हाँ भी हो। वैसे तो वो तुम्हारी सबका साली भी लगती है, उसे देखकर नवाल की याद भी आती होगी। बहुत सारी क्वालिटीज जो होंगी उसके जैसी उसमें आती, क्योंकि नवाल भी घर को घर बना कर रखती थी होटल में। वैसे मैं देख रही हूँ कि जब से निम्रा आई है ना इस घर में, तुम्हारे तेवर बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम बाहर से ज्यादा घर पर तवज्जो दो। फैसल, तुम जानते हो कि मैं कितनी सोशल हूँ, और प्लीज मुझसे ये टिपिकल हस्बैंड्स वाली डिमांड मत किया करो। सब कुछ तो पा लिया जाने, फिर भी ये कमी क्यों महसूस होती है? वो तो कॉर्ट में सोया करेगा, तुम उसका बेड क्यों तैयार कर रही हो? कॉर्ट तो मेरे कमरे में होगा, फिर जब कभी कभी फैसल घर लेट आएंगे तो जाहिर सी बात है मैं बेटी के साथ तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। निम्रा बीबी, जल्दी आए, बेगम साहिबा बाथरूम में गिर गई है, उनके सर से खून बह रहा है। अच्छा, आप ऐसा कह रहे हैं, आप उनके पास रहे, उनको देखे, मैं आ रही हूँ। सोनिया, बस अब बहुत हो गया, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम्हें मास को वक्त देना पड़ेगा। तुम हर रोज एक इशू लेकर क्यों बैठ जाते हो? Why don't you get my point? वो मेरा बेटा है और वो मुझे ही नहीं पहचानता। हाँ तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम उसे टाइम दो। सुनिए सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम मेरी बीवी हो, मेरी दुख सुख की साथी, मेरा हर प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम होना चाहिए। अम्मी, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वो पैर फिसल गया था तो मामूली सी सर पर चोट आई है, सुबह तक पट्टी उतर जाएगी। अम्मी ठीक है ना? आई थिंक काफी
पेन हो रहा होगा ना, मैं पेन किलर इंजेक्शन लगा देती हूँ। इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। आप इतना घबराइए मत, सिर्फ पेन किलर इंजेक्शन ही तो है। मुझे दर्द वर्द नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगाना। पहले तो मैं इनको पेन किलर की टैबलेट दे दूंगा। मैंने नूर बीबी से कह दिया, वो सूप बनाकर दे देंगे। इमरा, थैंक यू। मैंने सिर्फ एक डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज पूरा किया। आप ठीक तो है ना? इस पैर फिसल गया था, चक्कर आ गए थे, संभाल ही नहीं पाई खुद को। ये किचन में क्या हो रहा है? खाना नहीं बनेगा आज? आज खाना बाहर से आ जाएगा, किचन में कुछ जरूरी काम है। कैसा काम? किचन जरूरी और गैर जरूरी चीजों से भरा हुआ, अभी पुरानी खत्म नहीं होती तो नहीं आ जाए। आती भी है या नहीं ये देखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, उसी की लिस्ट बना रही हूँ, खुद ही देखूंगी क्या आएगा क्या। ये तुम में मामी जैसी आदतें कहाँ से आ गई, एक एक रुपए का हिसाब रखने वाली। लिसन, ना तो मैं तुम्हारी मामी की तरह एक एक रुपए का हिसाब रखती हूँ, और ना मैं आंखें बंद करके ये पूरा घर नौकरों के हवाले कर सकती हूँ। आई डोंट नो इफ यू नो, मोइज़रा मेरी कमाई हराम की नहीं है। आप दोनों बिल्स पे कर दीजिए। सुना तुमने? अगर वो घर की फिक्र कर रही है तो उसमें बुराई क्या? तुमसे शादी करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तुम्हें ना नवाल और निमरा जैसी लड़कियां ही सूट करती हैं। एक्चुअली यू आर राइट, मेरे लिए नवाल बहुत सूटेबल थी, लेकिन मैंने उसकी जिंदगी में उसकी कदर नहीं की और इसकी सजा में भुगत रहा तुम्हारी सूट। फाइन, तुम्हारी जॉब कैसे जा रही? अच्छी। तुम खाली चाय क्यों ले रहे हो? ऑमलेट लो स्लाइस तो? नहीं। ले लो। अगर मैंने खाना होता तो अपने लिए बना लेती। वापसी में तुम्हें पिक करूं? नहीं, इट्स ओके, खुद आ जाऊंगी। वक्त भी अलग है और रास्ता भी। और हाँ, शाम को जल्दी आ जाना, मैं चाइनीज बनाऊंगी। तुम हॉस्पिटल से थक कर आओगी और चाइनीज बनाओगी? छोड़ो, कभी बाद में खा लेंगे। तो क्या हुआ, इतनी मुश्किलों से सीखी है, अब बनानी तो पड़ेगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैंने नूर बीबी को कह दिया कि मांस को शाम को खाना खिला दे, फिर जब मैं आऊंगी तो हम दोनों से पार्क लेके चलेंगे। ठीक है? कोई जरूरत नहीं, उसको जहां भी लेके जाना होगा मैं लेके जाऊंगा। ये ख्याल आपको पहले तो नहीं आया? हक जताना वही अच्छा लगता है जहां फर्ज पूरे किए। मैं जो कुछ भी कर लूं वो मेरा ही बेटा रहेगा। मैं आपके रास्ते से जरूर हट जाती अगर आपको मोहब्बत करना आता होता, लेकिन आपको सिर्फ धोखा देना आता है। तुमने अपनी बीवी के अंदाज देखे नहीं, किस तरह बात करके गई मुझसे? ठीक कह रही। इसका मतलब है कि तुम अपनी बीवी के गुलाम बन गए। इस मामले में हम दोनों एक जैसे। सोनिया, बस अब बहुत हो गया, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम्हें मास को वक्त देना पड़ेगा।
तुम हर रोज एक इशू लेकर क्यों बैठ जाते हो? Why don't you get my point? वो मेरा बेटा है और वो मुझे ही नहीं पहचानता। हाँ तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम उसे टाइम दो। सुनिए सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मेरी बीवी हो, मेरी दुख सुख की साथी, मेरा हर प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम होना चाहिए। मेरी बात मानो, मास को हम दोनों के साथ रहना चाहिए, ना कि मोइज और निम्रा के साथ। अच्छा मुझे ये बताओ कि पापा ने तुम्हें जो ऑफर दिया था उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? से वही बात, मैं यानी मैं सब कुछ यहाँ से वाइंड अप करके चला जाऊं? नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। देखो फैसल, अगर हम लोग यहाँ रहेंगे ना तो ये मसाइल हमारी जिंदगी को खराब करते रहेंगे। मेरा बेटा तुम्हारे लिए मसला? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर तुम क्या कहना चाह रही? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ मेरी लाइफ है, सेटअप है मेरा, और तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे बाप के कदमों में जाकर बैठ जाऊं? तो तुम नहीं जाओगे? नहीं, कम से कम मास को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कहीं जाना है तो तुम जा सकते हो। That's it. अरे वो बहुत चालाक निकला, उसने इतनी होशियारी से सारी चीजें अपने कब्जे में की हैं कि तुम्हारे पापा को भी अंदाजा नहीं हो सका। उसकी अपनी डीलिंग्स हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मैं क्या करूं मामा? अब वो मुझसे टिपिकल हस्बैंड्स वाली डिमांड करता है। और ये मत कहिएगा कि उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं आप भी उससे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं उसकी पहली बीवी का बच्चा नहीं पाल सकती मामा। तो अपना तो पाल सकती हो। मतलब अब तुम्हारी औलाद ही फैसल के करीब कर सकती है तुम्हें। कमाल करती हैं आप, अब मैं अचानक से औलाद कहाँ से पैदा करूँ? हाँ, पहले तो फैसल को मैंने बेवकूफ बना लिया था, उसे झूठ मूठ प्रेगनेंसी का बताकर शादी अनाउंस करवाई थी, लेकिन अब कहाँ से अचानक मैं बच्चा ले आऊँ? हाँ तो तुमने मुझसे झूठ बोला था। नहीं, शट अप, आई कांट बिलीव दिस। तुमने शट अप, मैं फैसल मेरी बात कैसी हैं अमना भी? मैंने सोचा फोन करके आपकी खैरियत ही पता कर लूं। मुझे क्या होना है हकीम साहब, मेरा तो नसीब ही किसी काली सियाही से लिखा गया है। सारी जिंदगी ये सोचकर मशक्कत की मैंने कि मेरा भी अच्छा वक्त आएगा, लेकिन मेरा अच्छा वक्त नहीं आएगा। इंसान कोई जानवर पालता है ना, तो आते जाते उसी को देख लेता है। दुनिया ही में जहन्नम कमा रहे हैं हम। ऐसे ना कहे हकीम साहब, ऐसे ना कहे। मैं हूँ ही इसका मैं। छोटी बहू भी आपका ख्याल नहीं रखती? वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैं नजर आ जाऊं तो मुंह मोड़ लेती है, कहती है मैंने उसकी बहन को मारा है। और लड़के? सर्दी हो या गर्मी, बच्चे की पुकार पर माँ लपकती है, लेकिन माँ की आवाज औलाद नहीं सुनती। और हमारा रब कहता है कि वालदैन के सामने उठ तक ना कर। आप दुआ करें कि अब अल्लाह मेरी मिट्टी समेट ले, ये मुझे सगी आला दे। भाग लो, अपनी औलाद की ये बेवफाई मुझसे नहीं सही जाती। कभी कभी सोचती हूँ ये वो नन्हे पौधे जिनके साए में बैठने के लिए मैंने अपनी जवानी रोन दी, और अब कहते हैं ये तो हर माँ करती है, तुमने क्या खास किया? अल्लाह इनको हिदायत दे अमना बेटी, बस आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
फैसल, फैसल प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैंने जो कुछ भी किया हम दोनों के लिए किया, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि हमारी शादी दुनिया के सामने आ जाए। तो तुम्हें क्या लगता था कि शादी के बाद ये सब चीजें दुनिया के सामने नहीं आनी थी? किस बात से इनसिक्योर थी तुम? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारा पपेट हूं जैसे तुम अपनी उंगलियों पर नचाओगी? नहीं फैसल वो बस कर दो, मजीद झूठ मत बोलना मुझसे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। फैसल तुमने देखा उसने मुझसे कैसे बात की? मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और इसने ये सिला दिया मुझे। जिसकी जैसी नीयत होती है उसको सिला भी वैसा ही मिलता। सबके दिमाग खराब है इस घर में। फाइन आई डोंट केयर। गर्मियों की तपती धूप में जब बंद कमरे में सब एसी चला के सो रहे होते थे तो आमना बीवी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ तपते बरामदे में बैठी हुआ करती थी और ये सजा सिर्फ उन्हें मामूली गलती पे मिलती थी। बेटा 12 ऐसा हुआ कि उन्हें हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया गया। इसका शुमार तो मैं कर भी नहीं सकता बेटा। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? इतनी बेइज्जती के बाद भी मैं आमना बीबी से सिर्फ इसलिए मिलने आ जाता हूँ बेटा कि मैंने उनके दुख देखे। हकीम साहब आपको आमना बीबी के दुख नजर आ गए लेकिन मेरी बहन के साथ होने वाली ज्यादतियां नजर नहीं आई। मेरा कसूर था, सब मेरा कसूर था। आमना बीबी के लिए मैं ऐसी खिड़की था जहां से वो दुनिया को देखती थी और मैं ऐसा कमबख्त निकला कि उन्हें दुनिया का अच्छा रुख दिखलाया ही, अच्छा चेहरा दिखलाया ही, सिर्फ तारीख रुख दिखलाया। हमेशा उनसे यही कहा कि आने वालियाँ घर पे काबिज होने आती हैं, उनके साथ नरमी का कोई बर्ताव ना करें। मुझे क्या पता था बेटा कि कतरा कतरा जहर उनके उनके जिंदगी को नीलो नील कर रहा है। वो बुरी नहीं है, उनके हालात बुरे हैं बेटा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, उन्हें माफ करता। आधी तो वो पहले ही मर चुकी है बेटा। हकीम साहब प्लीज इस तरह ना कीजिए, मुझ में और हौसला नहीं है। आप मेरा और अपना वक्त जाया ना करें प्लीज। आपको कुछ चाहिए? वॉशरूम जाना है, कमर में बहुत तकलीफ है। मैं ले जाऊं? धक्का तो नहीं दोगी? तुम्हारे पापा का ख्याल है कि गलतियों को सारी जिंदगी साथ लेके नहीं चल सकते, जितनी जल्दी सुधार लें उतने अच्छे। शुक्र करो कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं। फैसल से जान छुड़ाना आसान होगा। हॉस्पिटल नहीं? नहीं। भाई और सोनिया का झगड़ा हुआ? और सोनिया घर छोड़कर चली गई। क्यों? क्योंकि वक्त फैसले सुनाने लगा और मैंने भी एक फैसला किया। कैसा फैसला?
मैं अब तुम्हारी अम्मी के साथ नहीं रहूंगी। तो अभी कौन सा रह रही? उनकी कोई जिम्मेदारी तुम्हारी थोड़ी? देखिए वो तुम्हारी जिम्मेदारी तो है, मेरी माँ और वो मेरी बहन की कातिल भी है। बच्चों जैसी बातें नहीं। तो क्या ये सच नहीं है? क्या वो इसकी जिम्मेदार नहीं है? हो सकता है निम्रा, मगर बात इतनी सी है कि भाई जैसी भी हूं उनसे नफरत नहीं की जा सकती। मेरी माँ ने जो कुछ भी किया वो उनकी कम इल्मी थी या उन पे जो कुछ गुजरा उसका रद्द तो अमल था, मगर मैं उनसे नफरत नहीं कर सकता। तो तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है? लेकिन उस औरत का क्या जिसने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया, और तुम तो खुद एक डॉक्टर, तुमसे बेहतर कौन जानता है कि जन्म देने का कद क्या होता है? अब तुम मुझे खुद बताओ कि मैं उस कर्ज का कर्ज उतार या तुम्हारी फीलिंग्स को देखो। मुझसे जो चाहती हो मांग लो, लेकिन खुदा के लिए मेरी मां से नफरत नहीं कर। वो कम इल्म थी, कम फहम थी, अब उसी शर्मिंदगी में डूब कर कोहड़ी चल रही है। मेरी मां अंदर ही अंदर मर रही है निम्रा, मैं नजर क्यों नहीं आता? बहुत थक गई हूँ अब्बा। सारी जिंदगी नफरत कमाते रहो, नफे में थकनी तो मिलती है बेटा। ती संगदल नहीं हूँ अब्बा, उस औरत की बेचारगी मुझे उसकी तरफ खींचती है, लेकिन जब मैं नवाल के बारे में सोचती हूँ तो उसका ख्याल मेरे पांव बांध देता है। बेटे नवाल ने तो जाना ही था, उसका वक्त आ गया था, लेकिन शौहर की बेवफाई और उस औरत का जुल्म न सहती तो अच्छा था। फैसल को जैसी बीवी मिली है, समझा वो तो सारी जिंदगी अब सजा काटेगा, लम्हा लम्हा नवाल को याद करेगा, और वो और मैं उसे कैसे माफ कर। नफरत करना और उस पर डटे रहना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। मोहब्बत करना और माफ कर देना, खुदा खुश होता है इससे। मुझ में इतना जर्फ नहीं अब्बा। तुम्हारा जर्फ बहुत बड़ा बेटा, बढ़ाते रहे तुम्हारा। अगर तुम्हारा जर्फ बड़ा ना होता तो तुम बेचैन होकर उनके दरवाजे पे न जाती। औरत आज वो औरत उतनी ही मजलूम है जितनी नवाल थी। ससुराल की सख्तियां सहने वाली औरत को अपनी बेबसी याद रहती है और सामने वाले की ताकत। तुम नवाल की बेबसी याद करो और आमना की ताकत भूल जाओ। मैं क्या करूं अब्बा? माफ करके इस सिलसिले को यही खत्म कर दो। बेटे इंसान कभी कभार वही लौटाता है जो उसे मिलता है, लेकिन हमें वही लौटाना चाहिए जो हमें नहीं मिलता लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें काश मिलता। चलो ऊपर जाके सोचो।
जल्दी आ जाओ। नूर बीबी, नूर बीबी कोई है? ओए कहाँ चले गए सब? ओए ओए मेरी कमर। आज वो औरत उतनी ही मजलूम है जितनी नवाल थी। तुम नवाल की बेबसी याद करो और आमना की ताकत भूल जाओ। माफ करके इस सिलसिले को यही खत्म करता हूं। आखिर से कहीं तो रुकना है ना बेटा। आपको कुछ चाहिए? वॉशरूम जाना है, कमर में बहुत तकलीफ है। मैं ले जाऊं? धक्का तो नहीं दोगी? हम जालिम नहीं होते, लेकिन फिर भी अनजाने में एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर देते, जैसे आपने नवाल पर किया, जैसे मैंने आप पर किया। मैं यह बात समझ गई हूं। हम एक दूसरे को बहुत धक्के दे चुके हैं, अब कोई भी किसी को धक्का नहीं देगा। आई प्रॉमिस। मैंने अपनी नफरत को मार दिया है, अब आप भी अपने खौफ को मारते। मैंने कभी नहीं चाहा था वो मर जाए, कभी नहीं। बेटा ध्यान से, बहुत तकलीफ है कमर में। चले उठे, चप्पल पहन, आराम से, मैं पहना देती हूं। सोनिया, ये क्या है? मामा खुला के कागजात हैं। तुम्हारे पापा का ख्याल है कि गलतियों को सारी जिंदगी साथ लेके नहीं चल सकते, जितनी जल्दी सुधार लें उतने अच्छे। शुक्र करो कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं। फैसल से जान छुड़ाना आसान होगा। एक बात बताएं मामा, पापा कब से पाकिस्तान नहीं आए? ये कैसा सवाल है? आप कब से उनके पास नहीं हैं? इसका तुम्हारे खुला के कागजात से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। आप मुतमईन थी कि पापा आपकी उंगलियों के इशारों पर नाचते हैं। आप यहां एक क्वीन की तरह रहती हैं और पापा एक गुलाम की तरह आपको वहां से डॉलर्स कमाकर भिजवाते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं चला आपके हिस्से में सिर्फ डॉलर्स आए। मोहब्बत और वफा तो किसी और को मिल गई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं जब लास्ट टाइम पापा के पास रहने गई थी तो वहां मैंने देखा था
उनकी दूसरी बीवी और बच्चों को। ये नामुमकिन है। पापा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात आपको ना बताऊं। बदले में वो मेरी शादी फैसल से करवाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये क्या कह रही हो तुम? पापा का गुस्सा महज एक दिखावा था। दूसरी शादी कर ली उन्होंने। आपने हमेशा मुझसे कहा मामा कि शौहर को कभी खुद पर डोमिनेट मत होने दो, बल्कि खुद उस पर हमेशा हावी रहो। लेकिन उससे क्या होता है मामा? शौहर अगर पापा जैसा हो तो चोर रास्ता इख्तियार करता है, और अगर फैसल जैसा हो और उसे नफ्स और इज्जत नफ्स में से किसी एक को चुनना हो तो वो बिना किसी नुकसान की परवाह किए मुझे एक मिनट में तलाक दे देगा। मैं हमेशा सोचती थी मामा कि मेरे इतने एहसानों के बावजूद फैसल की जुबान पर नवाल का नाम क्यों आ जाता है? पता है क्यों आ जाता है मामा? क्योंकि शौहर को कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उसे बीवी की मोहब्बत और वफा बांध के रखती है। Hi, this is Momo Elimunchi, and do subscribe to One Take, which is your one-stop shop for everything that's hot and happening in the entertainment industry.